एक होती है डैड ऑफ ऑल SUVs और एक होती है ऑल डैडीज कार। किसी भी पापा से पूछ लीजिए गाड़ी कौन सी चाहिए तो वो बताएंगे आपको, वैगनआर। नमस्ते व्यूअर्स, ऑटो सिंह पे आपका स्वागत है। आपके लिए लेके आए हैं हम आज वैगनआर LXi CNG का एक रिव्यू। आप देख सकते हैं गाड़ी के बारे में, गाड़ी एक हैचबैक है एक टॉल बॉय लुक के साथ। अगर गाड़ी के हम फ्रंट लुक की बात करें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बोनेट के साथ में आपको यहाँ पे दो बहुत ही बड़ी आपको हैलोजन लैंप्स दिखते हुए, साथ में नीचे बम्पर और बम्पर के नीचे आपको प्रोजेक्टर, आपको जो फॉग लाइट है उसकी हाउसिंग। आपको ले चलते हैं गाड़ी के सेंटर में बीचों बीच में और आपको बताते हैं फ्रंट लुक के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रिल के सेंटर में आपको क्रोम का फिनिश यहाँ पे आपको दिखता हुआ, उसके साथ ही सेंटर में सुजुकी का लोगो और ये जैसा कि मैंने आपको बताया था दो हैलोजन हेडलैम्प्स, नीचे इंडिकेटर की हाउसिंग हो रखी है और इसी में हाई बीम लो बीम और पार्किंग इंडिकेटर इन्हीं हेडलैम्प्स में प्लेस्ड हैं। इसके नीचे आप देख सकते हैं रेडिएटर ग्रिल काफ़ी खुला सा जिससे कि एयर इनटेक इजी और अच्छा रह सके। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे फॉग लैम्प की सिर्फ हाउसिंग मिलती है LXi मॉडल में। ये मॉडल ये एक्सटर्नल फिटमेंट है एज एन एक्सेसरी मारुति सुजुकी वैगनआर LXi में। इसके साथ साथ आपको दिखा देते हैं, आपको लेके चलते हैं आप साइड प्रोफाइल पर। तो साइड प्रोफाइल पे सबसे पहले आपको लेके चलते हैं गाड़ी के टायर प्रोफाइल पे। आप देख सकते हैं ये जो टायर प्रोफाइल है ये 13 इंचेस टायर हैं, 13 इंच की ये टायर। आप प्रोफाइल अगर देखें तो 155/80R13 का ये टायर प्रोफाइल साइज है। कंपनी आपको यही JK वेक्ट्रा टायर आपको प्रोवाइड कराती है विथ दीज व्हील कैप्स। इसमें किसी तरह का कोई व्हील कवर या अलॉयज इस गाड़ी में कैसे मिलेगा। फेंडर पे आपको मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर्स और फेंडर से जैसे ही आप आगे आते हैं तो ये आपको ORVM मिल जाते हैं। ये ORVM अगर आप देखेंगे तो ये बॉडी कलर ना होके ब्लैक होते हैं और ये मैनुअली एडजस्टेबल होते हैं। इनफैक्ट इसके अंदर भी किसी तरह का कोई नॉब नहीं होता, ये आपको बाहर से ही एडजस्ट करना पड़ता है। गाड़ी के साइड में जब आप आते हैं तो आपको अगेन ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स मिल जाते हैं और उसके साथ में ये जो साइड बीडिंग है ये एज एन एक्सेसरी यहाँ पर लगी हुई है। आप देखेंगे इसी में आपको लॉक अनलॉक के लिए आपको यहाँ पे नॉब मिल जाता है और यही चीज़ पीछे फ्लो करती हुई। पीछे फ्लो करने के बाद आप आ जाते हैं तो आपको दिखाना चाहेंगे हम टेल लैंप्स। देख सकते हैं आप ये गाड़ी के पीछे टेल लैंप्स दिखते हैं आपको, जिसके अंदर आपको टेल लैंप में ब्रेक लाइट, आपको इंडिकेटर प्लस आपको रिवर्स लाइट आपको यहाँ पे मेंशन आपको मिलती हुई। पीछे आपका ग्लास और ये हाई स्टॉप माउंट लैंप आपको मिलता हुआ। किसी तरह का कोई डिफॉगर या रियर वाइपर आपको गाड़ी में नहीं मिलता। ग्लास के जस्ट नीचे आपको सुजुकी का लोगो और ये वैगनआर क्रोम में मेंशन्ड आपको मिलता है। इसी में साथ ही साथ आपको यहाँ पे बूट स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो इसी में आपको एक नॉब मिलता है जिससे बूट स्पेस आपका खुलता हुआ। ये CNG मॉडल है। पार्सल ट्रे आपको इस गाड़ी के साथ ही मिलती है, प्लस साथ में आपको एक स्टेपनी टायर इस गाड़ी में मिलता है। कुछ इतना बूट स्पेस आपको गाड़ी में मिल जाता है जो कि एक नॉर्मल फैमिली के लिए 2-3 लोगों के लिए सफिशिएंट है। मेरे को ऐसा लगता है कि CNG मॉडल में वैगनआर जो है अगर एक हैचबैक की बात करें तो सबसे ज़्यादा बूट स्पेस प्रोवाइड कराती है। चलिए इसको बंद करते हैं और दिखाते हैं इसके नीचे क्या क्या आपको मिल जाता है। आप देख सकते हैं दो पार्किंग सेंसर आपको गाड़ी में मिलते हैं। ये अगेन एक रियर कैमरा, ये एज एन एक्सेसरी है। आपको पार्किंग सेंसर यहाँ पे दो मिल जाते हैं जो कि आपको पार्किंग में असिस्ट करते हैं। आपको लेके चलते हैं अब अगेन साइड प्रोफाइल पे, तो ये साइड प्रोफाइल आपको वापस वैसी ही नज़र आती हुई। यहाँ पे आपको फ्यूल लिड कैप मिल जाता है और बेस्ट बात ये है कि इसी फ्यूल लिड में आपको पेट्रोल एंड CNG दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। इसके साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको डोर अनलॉक करने के लिए आपको कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं और अगेन एक साइड मिरर आपको यहाँ पे दिखता हुआ। वापस में मैं आपको फ्रंट की तरफ लेके आता हूँ तो आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पे वाइपर वॉशिंग के लिए आपको दो नॉब्स यहाँ पे मिल जाते हैं वाटर थ्रो के लिए और आपको कुछ इस तरह के वाइपर्स मिल जाते हैं। गाड़ी के सेंटर में बीचों बीच आपको एंटीना मिल जाता है जो कि आपको रेडियो ट्रांसमिशन में आपको हेल्प करता है। चलिए ये रही गाड़ी के एक्सटीरियर की बात, अब आपको लेके चलते हैं गाड़ी के अंदर और दिखाते हैं कि गाड़ी के अंदर फ़िलहाल आपके पास क्या क्या मौजूद है। आइए आपको लेके चलते हैं। पहले आपको दिखाएंगे ड्राइवर साइड के बारे में और फिर लेके चलेंगे पैसेंजर साइड पे एंड देन रियर साइड पे। चलिए गाड़ी के पैसेंजर साइड पे आप सबसे पहले आपको नोटिस करवाएंगे डोर ट्रिम। सिंगल कलर ब्लैक कलर ये डोर ट्रिम आपको मिलती है। दो पावर विंडो यहाँ पे आपको मिलते हुए, लॉक अनलॉक और एंटी पिंच ये उसके लिए ऑप्शन है।
ये आपको ब्लैक कलर में ही आपको ये डोर ओपनिंग नॉब मिलता है। साथ में आपको नीचे एक बॉटल होल्डर हर गेट पे मौजूद है। आपको स्पीकर की हाउसिंग भी यहाँ पे गेट्स पे यानी डोर्स पे ही मिल जाती है। और जैसा मैंने आपको बताया था, किसी तरह का कोई कंट्रोल ORVM को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे नहीं होता। अब जब हम गाड़ी के अंदर आके देखते हैं तो सबसे पहले नज़र पड़ती है हमारी गाड़ी के सीट कवर्स पे और गाड़ी के सीट्स पे। तो आप देख सकते हैं ये गाड़ी में एक्सटर्नल सीट कवर इंस्टॉल्ड है। ऐसे गाड़ी की सीट में आपको सिर्फ वन टाइम जो एडजस्टमेंट जो रियर और आगे पीछे करने के लिए एडजस्टमेंट मिलती है, इसमें किसी तरह का हाइट एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलता है। नीचे आपको एक्सेलरेटर ब्रेक क्लच का प्रोविजन है, कोई फुटरेस्ट आपको इस गाड़ी में साथ में नहीं मिलता है। आइए अब आपको लेके चलते हैं गाड़ी के डैशबोर्ड की तरफ, गाड़ी के स्टेयरिंग की तरफ। बहुत ही वाइड डैशबोर्ड इस गाड़ी का मिलता है आपको, आप देख सकते हैं बहुत ही वाइड। और डुअल टोन इसके जस्ट नीचे, ये ब्लैक कलर के डैशबोर्ड के जस्ट नीचे बेज कलर आपको फ्लो करता हुआ यहाँ पे नजर आता है। इसके बाद हम बात करते हैं गाड़ी के एसी नॉब्स की। यहाँ पे चार एसी नॉब्स आपको मिलते हुए, ये सेंटर में ये एसी नॉब आपके पास, ये फिर यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे आपको एसी नॉब्स मिलते हुए। गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करें तो ये आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है। गाड़ी में किसी तरह का भी कोई भी आपको RPM मीटर नहीं मिलता है, ये एक नॉर्मल स्पीडोमीटर है जो कि पेट्रोल और CNG का भी आपको ऑप्शन दिखाता है। ये रही गाड़ी के स्टेयरिंग की बात जहाँ तक हम करें, तो ये रहा गाड़ी का स्टेयरिंग ब्लैक कलर में ही, कोई डिज़ाइन एलिमेंट इसमें भी नॉर्मली प्रेजेंट नहीं है। हाँ, सुजुकी क्रोम में ज़रूर मैंशनड है और एयरबैग की मैंशन यहाँ पर, क्योंकि इस गाड़ी में LXI में आपको एयरबैग सिर्फ ड्राइवर साइड आता है। अगर ये LXI ऑप्शनल होता है तो एक एयरबैग यहाँ पर भी आता है। इसके साथ साथ हम बात करें तो ये गाड़ी के कंट्रोल्स वाइपर्स के, प्लस आपको हेडलाइट्स टर्न इंडिकेटर्स के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे, आपको लाइट हेडलाइट लेवलर का कंट्रोल, फॉग लैंप का ऑप्शन, ये अलार्म और ये फ्यूल स्विच करने का ऑप्शन। ये गाड़ी ऑटोमेटिकली फ्यूल स्विच करती है, लेकिन कभी आपको अगर ज़रूरत है CNG पे चलाने की या CNG से पेट्रोल में आने की तो आप उस फ्यूल स्विच का यूज़ कर सकते हैं। गाड़ी के सेंटर में आते हैं, आपको बताया था एसी नॉब्स के बारे में, यहाँ पे एसी का कंट्रोल मौजूद है। ये कंट्रोल्स में आपको ये दो नॉब्स मिल जाते हैं, आपको स्पीड का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, प्लस साथ में आपको एसी का यहाँ पे नॉब मिल जाता है। ये आपको विद इन कार और आउटसाइड कार के एयर ट्रांसमिशन के लिए आपको ये नॉब मिल जाता है यहाँ पे। गाड़ी में अगर हम बात करें इंफोटेनमेंट की, तो किसी तरह का कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम इस गाड़ी में नहीं आता है, टू डिन सिंगल डिन कुछ भी नहीं आता है। ये एक एक्सटर्नल फिटमेंट है जो कि आप बाहर से इजीली इंस्टॉल करवा सकते हैं। ये गाड़ी का गियर नॉब है, इसमें भी किसी प्रकार का कोई क्रोम वर्क यहाँ पे नहीं होता है। और साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं हैंड ब्रेक, और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक कप होल्डर जो कि आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आपको देख सकते हैं सीट बेल्ट के लिए यहाँ पे जो भी ऑप्शन है वो मिल जाता है। गियर नॉब के पीछे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था किस तरह का कोई हैंड रेस्ट नहीं मिलता है। वापस आपको गाड़ी के डैशबोर्ड की तरफ लेके आता हूँ, और ये गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर आप देख सकते हैं ये कुछ इतना स्पेस आपको मिल जाता है जहाँ पे आप गाड़ी के कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स रख सकते हैं। आपको सन वाइजर में भी कोई किसी तरह का कोई वैनिटी मिरर नहीं आता है। ऊपर की बात करूँ अगर मैं तो ये आपको हैलोजन यानी कि जो येलो लाइट है उसी में आपको केबिन लाइट भी मिल जाती है। नॉर्मल आपको IRVM मिल जाता है विदाउट डे नाइट ऑप्शन के साथ, कोई डे नाइट ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है। आइए लेके चलता हूँ आपको गाड़ी के पीछे और दिखाते हैं कि गाड़ी के पीछे फिलहाल आपके लिए क्या क्या ऑप्शन है। लेकिन उसके पहले आप देख लीजिए पैसेंजर साइड के ऑप्शन में, अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है, लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है और ये नॉब मिल जाता है। चलिए अब पीछे चलते हैं, आपको दिखाते हैं रियर सीट की कंफर्ट के बारे में। चलिए अब हम आ गए हैं गाड़ी के रियर में, आपको दिखाते हैं गाड़ी के रियर के बारे में। आप देख सकते हैं गाड़ी के डोर्स पे आपको मिल जाते हैं ये डोर अनलॉक करने का नॉब, ये लिवर, और आपको मैनुअल पावर मैनुअल विंडो आपको यहाँ पे मिल जाती है। साथ में आपको ये हैंडल, और जैसे मैंने आपको बताया था हर डोर पे आपको एक बॉटल होल्डर मिल जाता है। स्पीकर का प्रोविजनिंग यहाँ पे, कोई स्पीकर इसमें होता नहीं है, आप बाहर से फिट ज़रूर करवा सकते हैं या शोरूम से भी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक सेफ्टी फीचर चाइल्ड लॉक आपको यहाँ पे मिलता हुआ। गाड़ी की अगर हम बात करें सीट्स की, तो आपको यहाँ पे फिक्स्ड हेडरेस्ट मिल जाते हैं दोनों, और तीन लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। भरपूर लेग रूम और नी रूम आपको इस गाड़ी में मिलता है। गाड़ी बहुत ही वाइड, बहुत ही स्पेशियस एक गाड़ी, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी जगह है। तकरीबन यहाँ पे
एक छोटा सा स्टूल भी यहाँ पे डाल सकते हैं, तो काफ़ी स्पेशियस ये गाड़ी है। पार्सल ट्रे जैसा मैंने आपको बताया था गाड़ी में आपको मिलता ही है। और ये जो सीट्स हैं LXI होने के साथ, इस नॉब के साथ ये सीट 100% स्प्लिट नीचे गिर जाती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ हैंडल इस प्रकार से मिल जाते हैं। जो लाइट थी वो फ्रंट में ही थी, पीछे कोई लाइट नहीं है। और ये फिलहाल इस गाड़ी का सारा आपको रिव्यू है। क्योंकि ये गाड़ी CNG है तो इस गाड़ी में आपको एज अ सेफ्टी फीचर एक फायर एक्सटिंग्विशर भी मिलता है। उस फायर एक्सटिंग्विशर की जो प्लेसमेंट है वो पैसेंजर सीट के जस्ट नीचे होती है। ये एक सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी में मिल जाता है सारी सीट बेल्ट्स के अलावा। तो ये था गाड़ी वैगनार का एक रिव्यू, वैगनार 2019 का एक रिव्यू कि वैगनार 2019 दिखने में कैसी है और अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए कैसा ऑप्शन रहेगा। 1000 cc का इंजन है इस गाड़ी में, हाँ ज़रूर, क्योंकि CNG है तो ये फैक्ट्री फिटेड CNG है, तो आपको पावर का उतना ज़्यादा स्विच आपको फर्क नज़र नहीं आता है। मैं आपको इंजन भी दिखा देता हूँ इस गाड़ी का, और इंजन के लिए चलते हैं चलिए आगे। आप देख सकते हैं कि 1000 cc का 3 सिलेंडर इंजन आपको किस तरह का आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। ये बैटरी का प्लेसमेंट है आपको, ये आप देख सकते हैं 3 सिलेंडर इंजन है जो कि 3 स्पार्क प्लग के साथ में है, और सारे ऑप्शंस आपको इंजन भी आप देख सकते हैं गाड़ी का। कूलेंट का ऑप्शन आपको, वाइपर फ्लूड का ऑप्शन आपको, ब्रेक फ्लूड का प्रोविजनिंग आपको, ये इंजन आपको, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो आपके लिए लेके आए थे आज हम वैगनार LXI, वैगनार के बेस मॉडल का एक रिव्यू। आप चाहें तो ये गाड़ी मारुति पर आप ले सकते हैं, किसी भी मारुति के शोरूम से आप देख सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है वैगनार की ओनरशिप को लेके या वैगनार कितना माइलेज, इन सब चीज़ों को लेके, तो बने रहिए हमारे साथ। हम आने वाली 2 वीडियोस में आपको ओनरशिप का एक्सपीरियंस प्लस ओनरशिप का कॉस्ट, वो सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन उसके अलावा आप हमें कमेंट करके हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं, इस गाड़ी के बारे में कुछ भी सवाल हो हम आपको देने के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। ऑटो सिंह से जुड़ने के लिए धन्यवाद व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच।